हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं श्री सहल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक कोर्स का चैप्टर 17 लेके आया हूं, जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रोज। जी हां दोस्तों, हमने इससे पहले जो चैप्टर देखा है वो है अपसाइड गैप 2 क्रोज था, लेकिन अब यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज है। बिल्कुल सेम है पैटर्न, लेकिन इसमें 3 रेड कैंडल बनती हैं और ये एक बेरिश सिग्नल वाला, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल वाला पैटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट्स हमेशा लेते आऊँ। अगर आप लोगों ने मेरे पहले कैंडलस्टिक के कोर्सेज के वीडियोस देखे हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं इन कोर्सेज के वीडियोज़ में ऐड करते जाता हूँ। साथ ही साथ मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी अपने प्लेलिस्ट के लिंक की मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स बिल्कुल फ्री ऑनलाइन वीडियोस देखकर कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टा की लिंक दी है वहाँ पर जाकर आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम आज देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 17, 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो अप ट्रेंड वाली रैली है, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड वाली रैली, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हम जो ये जो बता रहा हूँ आज का पैटर्न, वो लॉन्ग टर्म जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में या फिर फ्यूचर मार्केट में जब आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर हो या फिर कोई भी स्टॉक का फ्यूचर आप ले रहे हो 1 मंथ 15 डेज के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये पैटर्न आपको दिखाई देता है तो आप सेल साइड पे कॉन्फिडेंटली बने रह सकते हो। तो इसलिए ये जो पैटर्न है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो वन डे के कैंडलस्टिक देख सकते हैं आप, इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ से आप नीचे बेरिशनेस का ट्रेंड जारी हो चुका है और ये और भी बहुत नीचे जाने वाला है। आगे जाके मैं 1-2-3 एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेंड कितना पावरफुल होता है, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे जब इस तरीके से अप ट्रेंड की रैली ख़त्म होती है और बहुत ही ऊपर जब इस तरीके के 3 कैंडल्स बनेंगे, ठीक है, ये पहला कैंडल, उसके नीचे ये वाला कैंडल और उसके नीचे ये वाला कैंडल, ऐसे 3 कैंडल्स बनेंगे, ठीक है दोस्तों। कैंडल्स का साइज मैटर नहीं करता है, लेकिन कैंडल्स का कलर रेड होना चाहिए, ठीक है, कैंडल्स का कलर सेलिंग वाला होना चाहिए, कैंडल्स का कलर रेड होना चाहिए, कैंडल्स का कलर सेलिंग, उसकी विक्स हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। शायद इसकी विक्स ऐसी हो, इसकी विक ऐसी हो, इसकी विक ऐसी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसके जो पहली कैंडल का जो क्लोज है उसके आसपास या फिर उसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दूसरी कैंडल है वो यहाँ पे ओपन होगी नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका 50% का एरिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक तो उसके नीचे ही होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा उसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज। और मैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के हर एक कोर्स में आपको क्या कहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ पैटर्न की जानकारी होने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन पैटर्न कहाँ बनता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस तरीके के जो 3 रेड कैंडल्स जो होते हैं वो रैली के बीच में कहीं भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं होते जितना कि ये अप ट्रेंड के एकदम हाई पे बनेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, इस बात को बिल्कुल भी ना भूलिए कि देखिए आपको सिर्फ चार्ट के पैटर्न का पता हो कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो पैटर्न किस जगह पर बन रहा है इस पर चार्ट का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर इस तरीके की आपको 3 कैंडल्स दिखाई देंगी तो आपको एंट्री लेनी है, इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज करेगी तुरंत यहाँ पे एंट्री लेनी है, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं, और जैसे ही कैंडल नीचे की तरफ चली जाए धीरे धीरे आप अपना स्टॉप लॉस
नीचे नीचे लाते आइए, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते आइए, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि 3 ब्लैक क्रॉस तो बने हैं लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट घूम के फिर ऊपर की तरफ आने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहीं पे लगा सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ पे लगातार मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, बस कितना आसान है ये सब चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी, और अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली कुछ चार्ट्स पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने पावरफुल होते हैं, ठीक है। और इस देखिए, यहाँ पे इस चार्ट को देखने के बाद, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बने हैं एकदम ऊपर की लेवल में बने हैं 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। तो अब इस 3 ब्लैक क्रॉस बनने के बाद अगर आपने इसके लो के नीचे एंट्री ले ली, ठीक है, इसके लो के नीचे एंट्री ली, और स्टॉप लॉस चाहे आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है लेकिन यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है, फिर ये तो आपके मन की बात है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होना है, तो आपको स्टॉप लॉस हमारे जो भी टेक्निकल होता है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ना कि आपके आपके दिमाग के हिसाब से नहीं लगाना है कि मैं 1,000 का लॉस झेल सकता हूँ, 2,000, तो वहाँ पे तो स्टॉप लॉस मतलब आप फ्री में मार्केट को पैसे देके जा रहे हो, क्योंकि वो लेवल्स ऐसे हैं कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, तो यहाँ पे आप आराम से मार्केट को पैसे देके चले जा रहे हो। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चाहे नज़दीक भी चले आए लेकिन वहाँ पे हिट होने के चांसेस कम के। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, एक जस्ट 1 मिनट, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा देते हो, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है। कैंडल्स आएगी तो इतनी ऊपर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका पहला रेजिस्टेंस है इसके नीचे, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद आपको कितनी तेज़ी से नीचे की रैली दिखाई दी। अब ये तो पहला एग्जांपल हो गया, अब और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये है निफ्टी बैंक का ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 ब्लैक क्रॉस बने हैं। आप स्टॉप लॉस के बारे में जो मैंने बात कही थी, तो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ इसके नीचे, लो के नीचे आने के बाद हमें एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को कोई बात ही नहीं है ना, ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस की कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखिए ये 3 ब्लैक क्रॉस तो बने लेकिन उसके आगे वाली कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है, तो अब ये तो पावरफुल सिग्नल है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे इसके लो को तोड़ने का, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारा, अब ऐसे सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है, और हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके लो के नीचे हमारी एंट्री होगी। और जैसे ही इसके लो के नीचे हमने एंट्री कर ली, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने दूर तक, यहाँ पे हमें फ्यूचर में अगर आप सेल करते हो, तो यहाँ पर आपको कितने दूर तक टारगेट दिखाई दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको और एक बात क्लियर करता हूँ कि सिर्फ कैंडल स्टिक, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट का नॉलेज होने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सिचुएशन जैसी क्रिएट होती है, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे सिचुएशन क्रिएट हुए, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने नॉलेज को तोड़ मरोड़ के अच्छी तरह से उसका मिक्सिंग करके वहाँ पे यूज़ करता आना चाहिए। देखिए, जैसे अगर मैंने इसमें यही सिखाया कि 3 कैंडल्स होगी, उसके लो के नीचे आपको एंट्री लेनी है, तो आप इस कॉल को छोड़ देते ना, ठीक है ना, यहाँ पे छोड़ देते, यार यहाँ तो बना ही नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे कह के आप छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन अलग बनी, तो यहाँ पे हमने इसका लो मार्क कर लिया, इस लो के नीचे जब जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसके लो के नीचे हमने एंट्री भी ले ली और स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा लिया, और देखिए कितना सारा यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। ये देख, ये बात आप समझ लीजिए, मार्केट में जो कोई भी काम करता है, अगर वो थ्योरेटिकली काम करेगा या फिर कोई वीडियोस देख के सिर्फ उस वीडियो के हिसाब से काम करेगा, खुद का दिमाग नहीं लगाएगा, तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, वो तो सिर्फ चांसेस ढूंढता रहेगा, उसे प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, अब यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है, ये 3 ब्लैक क्रॉस है, ये तीनों कैंडल 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके लो के नीचे जब हमने एंट्री की, तो और यहाँ पे अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि स्टॉप लॉस आप टेक्निकल के हिसाब से लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है, इसके ऊपर,
यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना सारा यहाँ पे नीचे की तरफ रैली आई, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया उसके आगे जाके कैंडल्स ने। एक थोड़ा सा डर हमारे मन में आया कि अब यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ऊपर आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाया और यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई दी दोस्तों। तो दोस्तों ये था 3 ब्लैक क्रोज। ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं ठीक ठाक तरीके से समझा रहा हूँ आपको। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बेदिक्कत आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।